चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर आपको उत्तर प्रदेश की बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आप बता दें कि 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आप बता दें कि 1 लाख का इनाम इस डकैत पर घोषित था और इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि करोड़ों की इसने लूट की थी ज्वेलरी शॉप में, और दिन दहाड़े लूट की गई थी और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, और आखिरकार पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया है। इस आरोपी का नाम है मंगेश यादव, जिसे ढेर किया गया है, मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम था। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से खबर सामने आई है, जहां इनामी डकैत मंगेश यादव ढेर कर दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े इसने लूटपाट की थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लूटपाट की गई थी और तब से ही पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि आज एनकाउंटर में मारा गया है, इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। और आज ये खबर सामने आई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर इनामी बदमाश मंगेश यादव को मार गिराया गया है। मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेखौफ होकर ये जो बदमाश हैं वो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं और उसके बाद करोड़ों की लूटपाट की जाती है। तो देखिए किस तरीके से सुल्तानपुर में जो इनकाउंटर हुआ, अब उसको लेकर भी अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मंगेश यादव चूंकि उनका नाम है, इसलिए जाति देखकर इनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव ने सवाल उठा रहे हैं सुल्तानपुर एनकाउंटर पर। उन्होंने कहा कि जाति देखकर ये एनकाउंटर किया गया है, नकली इनकाउंटर है ये। ये देखिए, ये ट्वीट सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। काफी लंबा चौड़ा पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। तो देखिए बड़े सवाल यहां पर अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस हो जाना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। तो बड़े सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव से पहले ही सियासी घमासान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच अब लड़ाई आ चुकी है बुलडोजर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच किस तरीके से अब बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बुलडोजर पर उठे तूफान ने अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच नई जुबानी जंग छेड़ दी है। दोनों तरफ से व्यंग बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग उस समय भी नहीं छिड़ी थी जब देश में आम चुनाव थे, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने दोनों तरफ से नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत मंगलवार को सपा सुप्रीमो के दिए बयान के बाद हुई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी को चुनौती दी, जिसके बाद सीएम योगी ने दिल दिमाग और जिगर की बात कह डाली। बुलडोजर में हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर को लेकर न्याय और अन्याय की बात चली तो सीएम योगी ने तीखे प्रहारों का रैपिड फायर शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने जहां बुलडोजर की स्टेयरिंग की कमांड जनता के हाथों में बताई, तो वहीं सीएम योगी ने सपा को पुराने दिन याद दिलाते हुए प्रदेश में होने वाले दंगों का जिक्र छेड़ दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है, उसमें स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दे। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। यानी हर बयान के बाद प्रहार और तीखा हो रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं
कि टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रही है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो नई पार्टी बनाकर इसे चुनाव चिन्ह बना ले। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाते की बात ना हो तो सियासी तड़का अधूरा रह जाता है। बुलडोजर से शुरू हुई जुबानी जंग जाति तक पहुंची तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर भेदभाव के आरोप मढ़े जाने लगे। सीएम योगी ने जहां मौजूदा दौर में पिछड़ों को हक दिलाने की बात कही तो वही अखिलेश यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखने का आरोप लगाया। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके FI लिखाई जा रही है। FI नहीं लिखाई जा रही है। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और आपको बता दें कि बहराइच और सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी माधवपुर भेड़ियों का आतंक दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से ये अपना शिकार का जो एरिया है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव इनके और भी ज्यादा होते जा रहे हैं, पहले 35 गांव थे उसके बाद 50 से ज्यादा हो गए। अब देखिए किस तरीके से बहराइच के बाद सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी इन भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। मंझनपुर इलाके में भेड़ियों के हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि 3 लोगों को इन भेड़ियों ने घायल किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन भेड़ियों का आतंक जो है और दहशत वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग दहशत में जीने को मजबूर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर इनसे कैसे निजात मिलेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर इनसे कैसे लोगों को राहत मिल पाएगी, क्या आखिरी रास्ता सिर्फ इनका शिकार करना ही बचा है, क्योंकि लगातार ये बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं, बच्चों को अपना खाना बना रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आदमखोरों का आतंक जो है वो देखा जा रहा है। कौशाम्बी में ये आदमखोर दिखाई दिए हैं। वो लड़का के 3 लड़कों को घायल किए गए, कोई आज तक जंगल विभाग वाला कोई नहीं आया, अधिकारी कोई नहीं आया। अब वही चरा रहा, वही बकरी के पकड़े रहा, वही की धौरा हो गई तो पकड़ ली सीआर रोड डाई। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर, बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आए आदमखोर। बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी है, लोगों को वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक, पुलिस भी लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, लोग लाठी डंडा लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी है, एक मवेशी को किया घायल, ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाई गई 2 पिंजरे, बाघ के आतंक की वजह से लोगों को घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान, अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला, बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। केरल ने मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया, कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, खराब मौसम की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल है, गंगा किनारे रहने को मजबूर हुए पुजारी, लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर, बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। चीन में मौसम की मार से मचा हाहाकार, हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी के जरिए एक लड़की बह गई, लाचार बन रहे हैं लोग। उत्तर पश्चिमी चीन के किंघाई और गांसू में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड देखी गई। फ्रांस में बाढ़ और बारिश